हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ट्यूटोरियल्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज, आपको ये आज खूबसूरत सा मेकअप लुक देखने के लिए मिल रहा है। इस लुक को मैंने क्रिएट किया है स्पेशली फॉर मेहंदी फंक्शन। वैसे आप किसी भी शादी वगैरह पे अगर आपकी साड़ी का कलर, आउटफिट का कलर इस तरह का है, लहंगा वगैरह का, तो आप आराम से ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बट स्पेशली ये मेहंदी का है, अगर आपकी मेहंदी है तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी जल्दी, और बहुत अच्छे भी लगेंगे। या फिर एज अ वेडिंग गेस्ट भी आप जैसे कि किसी की मेहंदी में जा रहे हैं तो भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं फेस प्राइमर अप्लाई करूंगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, अगर मैंने नाम गलती भी बताया या फिर आपको नहीं समझ आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी प्रोडक्ट्स का नाम जो है वो अच्छे से मैंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लिया है। जहाँ पर आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ पर ज़रूरी है प्राइमर अप्लाई करना। फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, और आपका जो भी स्किन टोन है उस अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। फुल कवरेज फाउंडेशन है, एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो भी नॉइज़ वगैरह एक्स्ट्रा आ रही है उसके लिए मैं सॉरी हूँ गाइज। सो इस तरह से आप अपने फिंगर टिप से पहले अच्छे से फाउंडेशन को अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से कंफर्टेबल तो ब्यूटी ब्लेंडर से, या फिर अगर चाहे तो ब्रश से भी अपने मेकअप को इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने अपने फेस पर पहले अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर ब्रश से ही आज ब्लेंड करूँगी। ब्रश से भी बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है, तो बस इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है। सो गाइज, उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे अपनी आईलिड्स पे, क्योंकि पहले हम आई का मेकअप करेंगे। तो उस कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर लिया है। इसकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। और कोई भी आईशैडो अगर आपको लगाना है और आप पिगमेंटेशन चाहते हैं तो पहले कंसीलर से जो भी डार्कनेस है आपकी आईलिड्स पे उसे क्लीन कर लेना होगा। तो अच्छे से मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर ले रही हूँ अप्लाई करके। आप देख सकते हैं मेरी आईलिड्स पूरी क्लीन लग रही हैं। अब जो भी आईशैडो हम अप्लाई करेंगे उसका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से आएगा। तो कुछ इस तरह से दोनों ही आईज़ पे मैं कर ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट भी करेंगे ताकि जो कंसीलर है वो सेफ रहेगा। तो क्रीमी टेक्सचर का होता है तो जो आई शेडो है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो साथ में ब्रश से हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, नेम दे दूँगी, हाँ कुछ याद नहीं आ रहा मैंने यहाँ पर कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। तो मैं जो नाम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अपनी आईलिड्स पे ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे लगा लेना है बस इस तरह से। आप भी जब भी अप्लाई करें कंसीलर उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाएं, वरना क्रीज हो जाती है आईलिड्स या फिर फेस जो भी है और लुक अच्छा नहीं आता है। और उसके बाद हम आई शेडो का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो आई शेडो यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा ऑरेंजिस ब्राउन टाइप का, ये लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये फेस कलर अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी पहले मैंने कंसीलर लगाया था, तो कंसीलर के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर तो लगा लिया है, बट थोड़ा सा ये वाला पाउडर भी लगा लेंगे तो और अच्छे से हमारा जो भी आईलिड है वो पाउडरी हो जाएगा, तो अच्छे से आई शेडो इस पर लग पाएगा। तो बस इस तरह से अप्लाई कर लेना है, और उसका जो भी आई शेडो मैंने आपको दिखाया है कॉपर ब्राउन टाइप का, उसे हम अपनी आईलिड्स पर अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है दोनों ही आईलिड्स पे। पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है तो अच्छे से अप्लाई करेंगे दोनों ही आईलिड्स पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। जो आई शेडो पैलेट है वो मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट है, उसका नाम भी जो है अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट ये शायद मेकअप रेवोल्यूशन के आई लव चॉकलेट करके है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की सॉफ्ट काजल यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर में, इसे मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। काफ़ी बच के आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा ओपन नहीं जाना है क्रीज एरिया पे, नीचे नीचे ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि आज हम मेहंदी लुक यानी कि ग्रीन कलर का मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर के लिए ये ग्रीन कलर बिल्कुल सही रहेगा बेस देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एज अ बेस इसे यूज़ किया है। अच्छे से पहले इसे अप्लाई कर लूँगी, फिर ब्रश से हल्का सा ब्लेंड करने का ट्राई करेंगे, जितना भी ब्लेंड हो पाएगा। अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉर्नर वॉर्नर पे आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जिससे कि जब आप आई शेडो अप्लाई करें तो एक इवन टाइप का लुक दिखे आपको।
अच्छे से कॉर्नर तक आपको पहुंचा देना है ब्लेंड करके। ब्रश हमेशा पतला रखिएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वरना अच्छा लुक नहीं आएगा। दोनों ही आईलिड्स पर लगाने का इस तरह का ग्रीन कलर का हम आई शेडो लेंगे और उसे डैब डैब करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं जिसमें ग्रीन कलर हो। सिमरी फंक्शन है इसलिए सिमरी शेड ही हम यूज़ करेंगे। दोनों ही आईलिड्स पर इस तरह से डैब डैब करके हमें आई शेडो अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से। बिल्कुल संभल के आपको धीरे धीरे मेकअप करना है। वीडियो थोड़ी आपको स्पीड में बीच बीच में दिख रही होगी बट आपको तो स्पीड में मेकअप नहीं करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड में कर रखा है, बट प्लीज़ आप धीरे धीरे ही मेकअप करिएगा और ये लुक जो है आप आराम से अपनी मेहंदी पर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी आउटफिट कितनी भी एक्सपेंसिव हो कितनी महंगी हो ये सभी आउटफिट्स के साथ जाएगा, इतना अच्छा मेकअप मैनेज करके दिखाया है आप लोगों को। तो दोनों ही आईलिड्स पे हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। बस आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार और अच्छे से क्रीज एरिया पे ये जो कॉपर कलर है उसे हम इस तरह से एक बार और चला देंगे ताकि थोड़ा सा कम हो गया इसका पिगमेंटेशन, तो अच्छे से यहाँ पे इसे इस तरह से चला देंगे। बस उसके बाद हमारा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर, और लाइनर के लिए मैंने लैक्मे की इंस्टा लाइनर ही यूज़ की है गोल्डन कलर में, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले जो भी फॉल आउट वगैरह हुआ है उसे हटा लेते हैं ब्रश से, मतलब जो भी आई शेडो इधर उधर गिरा है, और फिर पहले कंसीलर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपने अंडर आई एरिया पे, नोज़ पे, लिप्स के आसपास जहाँ जहाँ डार्कनिंग होती है अच्छे से अप्लाई करके इसे ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कुछ इस तरह से। हल्के हाथों से आपको करना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आई शेडो जो है आपने डार्क लगाया है तो आईलिड्स का ब्राइट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो भी लुक है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा और आपकी अंडर आई एरिया है वो ज़्यादा डार्क लगेगी। तो बस आप देख सकते हैं फेस हमारा कितना ब्राइट लग रहा है। और फिर से यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया और कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी अच्छे से। जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगे ताकि जो कंसीलर है वो मेल्ट ना हो, क्योंकि अभी समर सीज़न भी है तो कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी कॉम्पैक्ट आपके पास है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कौन सा यूज़ किया है इसका नाम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से पूरे फेस पर हम कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेंगे ताकि गर्मी में जरा सा जो मेकअप है हमारा वो मेल्ट ना हो, कुछ अच्छे से इसे इस तरह से अप्लाई करना है आपको। बस अब हम लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर के लिए मैंने लैक्मे की इंस्टा लाइनर अप्लाई की है गोल्डन कलर में, कुछ इस तरह का देख सकते हैं आप, गोल्डन कलर लेना है आपको। ये लाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, सो अगर आपके पास कोई दूसरा लिक्विड लाइनर है या फिर गोल्डन कलर का लाइनर है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एज अ फंक्शन है पार्टी है तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का और काफ़ी अफोर्डेबल लाइनर यूज़ किया है। दोनों ही इस पर हम ये लाइनर अप्लाई कर लेंगे कॉर्नर तक, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको 110 या 120 में मिल जाता है। इस वाले लाइनर को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर जो भी आई शेडो हमारे ब्रश में बचा हुआ था ग्रीन कलर वाला उसे हम अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेंगे। लेना नहीं है आपको एक्स्ट्रा, बस जो बचा हुआ है उसे ही लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेंगे। अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे, और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे NYB की कॉन्टोरिंग स्टिक ली है। इसका जो फुल नेम है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, NYB की ओर से है। और अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेंगे क्योंकि मेहंदी मेकअप है तो स्लिम लुक भी चाहिए, और मेकअप अप्लाई करने के बाद जो फेस है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, कुछ भी डेप्थ वगैरह नहीं रह जाती, तो कॉन्टोरिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से, ब्रश से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फोरहेड पे अगर चाहें तो कॉन्टोरिंग आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि मेरी फोरहेड जो है थोड़ी चौड़ी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चीक बोन्स के नीचे तो करना ही है और जॉ लाइन के पास तो करना ही है, वरना हमारा फेस जो है वो थोड़ा फैटी लगेगा। अच्छे से आपको ब्लेंड भी कर लेना है वरना लुक काफ़ी बैड आता है, अगर ये थोड़ा भी दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है इसकी। अच्छे से आप ब्लेंडिंग करिए, उसके बाद ही जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी की ब्लश पैलेट ली है और उसमें से बिल्कुल लाइट जो पिंक शेड था उसे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा ब्लश नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आई मेकअप हमारा हैवी है, तो बस बाकी सभी मेकअप जो है सटल रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आप कह सकते हैं ब्लश एंड हाईलाइटर की कॉम्पैक्ट मतलब पैलेट लिया है, और इसे अपने आईज़ के कॉर्नर में अप्लाई करेंगे और ब्रिज ऑफ द नोज़ पर भी, और चीक बोन्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। आईज़ के कॉर्नर में अप्लाई करने से जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो कुछ इस तरह से, और जॉ लाइन के पास।
फिर मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी, ये मैं भूल गई थी। आप भी जब चाहे अब कर सकते हैं, मेकअप के पहले या मेकअप के बाद। तो आई शेडो पैलेट में जो ब्लैक कलर था, मैंने उसी से अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है हल्के हाथों से। अब अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की प्री सीजन इंटेंस आई मस्कारा यूज़ किया है। इसका जो फुल नेम है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से दोनों ही आईज पे मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फॉल्सीज नहीं अप्लाई कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है लिक्विड लिपस्टिक, और इसका जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये लिपस्टिक मैंने पर्पल से ली थी, तो NYB की या फिर कुछ इसी तरह की लिपस्टिक का नाम है, और शेड कुछ इस तरह का है। बहुत ही अच्छा शेड है ये। और आईज जो है हमने बोल्ड रखी थी, तो लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट ही रखेंगे यहाँ पे। और ये है मेरा ओवरऑल लुक। आई होप ये लुक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।